एट्थ क्वेश्चन, ई इज ए पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम एबीसीडी। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए तभी इस क्वेश्चन को कर पाओगे, क्योंकि पैरेललोग्राम वो बता रहा है यानी कि उसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी यूज करेगा। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं पैरेललोग्राम की। सो ई इज ए पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम, ए डी को प्रोड्यूस किया गया है तो ए डी को आगे प्रोड्यूस कर देंगे, ई उस पर एक पॉइंट है, ठीक है, एंड बी ई इंटरसेक्ट सी डी, बी ई यानी बी ई मिलाएंगे, ये बी ई बना दी, और इंटरसेक्ट सी डी एट पॉइंट, इंटरसेक्ट सी डी एट एफ, एफ पॉइंट पे बी ई जो है वो इंटरसेक्ट करती है सी डी को। अब इस क्वेश्चन में अगर तुम डायग्राम नहीं बनाओगे साथ साथ, तुम्हें भी नहीं पल्ले पड़ेगा कि क्या हो रहा है, दिमाग में नहीं चलती चीज़ें, ठीक है, पेपर पे लेके आओ उनको, पढ़ाया इसीलिए जाता है। शो दैट ट्राइंगल ए बी ई, ए बी ई ट्राइंगल कौन सा है भाई, ए बी ई, ये ट्राइंगल जो है ए बी ई, ये पूरा, इसको अगर मैं बीच में से कट कर दूं यूं शो करने के लिए कि ये पूरा एक ट्राइंगल है ए बी ई, सो शो दैट ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्राइंगल किसके साथ, सी एफ बी, सी एफ बी, सी एफ बी कौन सा है रे, सी एफ बी, सी एफ बी, ये वाला, ये वाला, ठीक है, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है हमें। सिमिलर प्रूव करने के लिए आपको क्राइटेरिया क्या चाहिए, एक तो एंगल एंगल क्राइटेरिया, ठीक है, या साइड एंगल साइड, या साइड साइड साइड, ठीक है, आरएचएस, आरएचएस तो वो तो उसमें लगता है, किसमें, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज उसमें लगेगा, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट वाले में, नाइन्थ क्लास में था वो, तो एंगल एंगल से ही हो जाएगा मेरे ख्याल से, देखें। अच्छा जी, एक तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अब एक एंगल इक्वल करना है, ये एंगल इसके बराबर है, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। हाँ, एक मिनट, अच्छा, हाँ सही कह रहा है, ये तो एंगल आएगा ही नहीं, क्योंकि ये लाइन थोड़ी बन रही है यहाँ, ये तो है ही नहीं, ये तो ट्राइंगल, तो ये बनाना ए बी ई, ये बनाना ट्राइंगल, तो ये एंगल तो नहीं आएगा, ठीक है, वेरी गुड, ये एक मिनट बोलो, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी कैसे हुआ, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है, पैरेललोग्राम तो है ये ए बी सी डी, ई बी के कैसे आगे कहाँ है पैरेलल साइड, रुको 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 रुको, हाँ बोलो, एफ बी के किधर, ये वाला बी या ये वाला बी, इधर वाला, क्योंकि क्यों क्यों होगा, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, और ये वाई है तो ये भी वाई होगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब मैं इनको विधिवत रूप से लिखता हूँ, इसको लिखना कैसे, हाँ विधिवत रूप से, भाई आपको आंसर शो करना है ना, बताना है ना, पता चल गया हमें ये दोनों एंगल इक्वल हैं, क्यों एंगल इक्वल है वो भी हमें लिख के बताना पड़ेगा, और अगले को शो भी करना है अच्छे अच्छे में। तो इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी एफ बी, ये दो ट्राइंगल हो गए, ठीक है। अब देखो इनमें एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, ये सिर्फ ए और सी से शो कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ कोई और एंगल नहीं बन रहा, क्यों होंगे ये इक्वल, अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ध्यान रखना ये इसकी कंडीशन है, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ये जितना एंगल होगा उतना ही ये होगा, ठीक है। अब क्योंकि ये पैरेलल साइड्स हैं, ए बी और सी डी पैरेलल साइड है, तो सी एफ सी डी का ही पार्ट है, तो ये सी एफ और ए बी भी पैरेलल हैं, और ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये एंगल कौन सा है, अब आपको नाम लिखना पड़ेगा यहाँ, सी एफ बी, सो एंगल सी एफ बी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई,
ए बी ई, ये दोनों एंगल भी इक्वल है। क्यों इक्वल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। और ये जो सिंबल है ना पैरेललोग्राम का, ये एल एल नहीं है, एल एल ग्राम नहीं है, ये पैरेललोग्राम, ये दो लाइनें हैं सिर्फ, एल नहीं है ये, ठीक है, पैरेललोग्राम। ओके, सो दो एंगल्स इक्वल हो गए, सो बाय एंगल एंगल रूल ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी, ठीक है, सिंपल हो गया ना, ठीक है। तो विधिवत रूप से लिखने का मतलब ये है कि आपने जो यूज किया है वो क्यों यूज किया है, क्या पर्पस है, सोल्व क्या करना है, किन ट्राइंगल्स में आप ये कंपेरिजन कर रहे हो, वो सारी चीजें आपको टीचर को बतानी पड़ेंगी। आंसर ऐसे लिखा करो जैसे कि अगले को कुछ नहीं पता, वो नहीं जानता कुछ, निपट गंवार मूर्ख बुद्धू, ठीक है, अनपढ़, आपको उसको समझाना है कि ये क्या हो रहा है, तुम अपनी तरफ से समझाओ ना, तुम अपनी तरफ से समझाओ ना, ठीक है, चलो।